अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र राज्य में कोकण के रत्नागिरी और चिपळूण इलाके में बारिश की वजह से व्यापारी और वहां के स्थानिक लोगों को काफी नुकसान हुआ है। कई लोग बेघर हो गए हैं। कई सामाजिक संगठनों ने उनकी मदद की है। तंजीम हमदर्द इंसानियत सोलापुर शहर में एक प्रसिद्ध संगठन सोलापुर शहर में कई सामाजिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। संगठन की सामाजिक पहल के तहत संगठन वर्तमान में कोकण कोल्हापुर में लोगों की दुर्दशा को देख रहा है और महाराष्ट्र के सांगली क्षेत्र में संस्था ने 3000 खाद्य पैकेजों से लदा वाहन नई जिंदगी से रवाना किया। संगठन ने सोलापुर के लोगों से सोशल मीडिया के जरिए अपील की थी कि हम कोकण के लिए निकल रहे हैं, आप हमारी मदद करें। सोलापुर के लोगों ने अनाज, गेहूं, ज्वार और आटा देकर मदद का हाथ बढ़ाकर इस आह्वान का जवाब दिया। हाफिज सोहेल डांगी, मौलाना मतीन, हाफिज आरिफ, हाफिज शहबाज, हाफिज अमन, शकील शेख, हाफिज उमर फारूक, अली शेर शेख, हाफिज असलम, संगठन के सभी कारकुन वहां मदद के लिए चले गए। लोक प्रधान न्यूज़ के संपादक जमीर भाई शेख, जमीयत उलमा के उपाध्यक्ष मौलाना हारिस, नगर सेवक अजहर हुंडेकरी, इन्होंने इस काम की सराहना की और उनके लिए शुभकामनाएं दी। देखिए सोलापुरनामा 24 की एक रिपोर्ट। मैं हाफिज महबूब नदाफ, तंजीम हमदर्दी इंसानियत एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का शहर और जिले का जिम्मेदार हूँ। जैसा कि आप तमाम को मालूम है, रत्नागिरी, सांगली, कोकण, चिपळूण वगैरह में तूफानी बारिश ने कोहराम मचाया है। लोग घर से बेघर हुए, बेसहारा हुए, लोगों का जानी माली इंतहाई दर्जे पर नुकसान हुआ। शहर रियासत से बहुत सारे ट्रस्ट, बहुत सारी जमातें वहाँ पर मदद के लिए पहुँची है। अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम ट्रस्टियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको हमारे तंजीम के तमाम जिम्मेदारों की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। इसी की एक छोटी कड़ी, तंजीम हमदर्दी इंसानियत ने ऐसे एक दो तीन दिन पहले सोशल मीडिया के जरिए शहर सोलापुर के आवाम से एक अपील की कि तंजीम हमदर्दी इंसानियत वहाँ पर जाकर ग्राउंड लेवल पर हालात का जायज़ा लेकर मुस्तहिक लोगों को इमदाद करने की कोशिश करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर सोलापुर के आवाम ने कॉल के ज़रिए, अनाज के ज़रिए, तेल और भी रकम के ज़रिए इमदाद की। वो तमाम इमदाद को इकट्ठा करके उसको पैकेट बना करके आज जुमा के दिन 30 तारीख को हमारी गाड़ी यहाँ से रवाना हो रही है। मैं शहर सोलापुर के तमाम आवाम का जिन अहबाब ने जिस एतबार से भी अपने ताकत के हिसाब से इमदाद की, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये वादा करता हूँ जब भी इंसानियत को ज़रूरत पड़ेगी, मैं बजाते खुद और तंजीम हमदर्दी इंसानियत के जिम्मेदार कल भी उम्मत के साथ, इंसानियत के साथ खड़े थे, आज खड़े हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। आज हमसे बंधु हाफिज महबूब भाई यानी तंजीम हमदर्दी इंसानियत या संघटनेच्या माध्यमातून कोकण असल, सातारा असल, सांगली, कोल्हापूर असल या ठिकाणी ज्या लोकांना पावसाच्या पाण्यामुळे आणि त्या ठिकाणी पूर आल्यामुळे जो नुकसान झाला होता त्या नुकसानीसाठी आज खरं म्हणजे एवढी मोठी ट्रक आणि भरलेली ट्रक या ठिकाणीहून तिथली मदतीसाठी पाठवते, त्याचबरोबर काही यांचे सहकारी मित्र जे वेगवेगळ्या मदरशामध्ये वेगवेगळ्या मशिदीमध्ये नमाज पठण करण्याचे काम करतात आणि समाजाला एक चांगली दिशा दाखवण्याचे काम करतात, हे लोकसुद्धा त्या ठिकाणी त्या लोकांच्या मदतीसाठी, त्या लोकांना मदत करण्यासाठी, त्यांची अडीअडचणी जाणून घेण्यासाठी आणि त्यांना हातभार लावण्यासाठी त्या ठिकाणी रवाना होत आहे। खरं म्हणजे मी हाफिज महबूब आणि तंजीम इंसानियत हमदर्द या संघटनेला आणि त्यांच्या सर्व टीमला मी धन्यवाद देतो की हाफिजसाहेब ज्या मोठमोठ्या करोडपती अब्जोपती लोकांना जे जमलं नाही ते खरंच तुम्ही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात, एवढ्या मोठ्या ताकदीने तुम्ही करून दाखवला। खरं म्हणजे माझं तुम्हाला मनापासून सलाम आहे की ज्या पद्धतीने तुम्ही हे काम करताय, खरं म्हणजे आज माणुसकीची गरज आहे। कोण कुठल्या जातीचा आहे, धर्माचा आहे, पंथाचा आहे हा विचार तुम्ही कधीच करत नाही आणि त्या तुमच्या संघटनेचं स्लोगनसुद्धा तेच आहे की कुठल्याही जातीचा, धर्माचा, पंथाचा माणूस त्या ठिकाणी महत्त्वाचा नसतो, शेवटी माणुसकी हीच महत्त्वाची असते। आणि त्या पद्धतीने तुम्ही आज ज्या पद्धतीने त्या लोकांसाठी, ज्या पूरग्रस्त लोक, ज्या अपेक्षेने, ज्या आशेने सरकारकडे डोळा लावून बसतात, पण तुम्ही त्या ठिकाणी सरकार म्हणून त्या ठिकाणी स्वतः जात आहे, स्वतः त्यांची मदत करत आहे, नक्कीच तुमचा हा काम संपूर्ण सोलापूरच नव्हे तर अख्ख्या देशामध्ये असं काम कुणीच करत नाही। मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो की यापुढे सुद्धा अशाच पद्धतीने तुम्ही काम करत राहा। प्रहार संघटना असेल, त्याचबरोबर लोकप्रधान न्यूज चॅनल असेल, त्याचबरोबर जमीर शेख मित्र परिवाराच्या वतीने मी आपल्याला शुभेच्छा देतो आणि आपला धन्यवाद देतो की खरंच तुम्ही आज जो माणुसकीचा जो पाऊल उचललेला आहे
नक्कीच हे उद्याच्या आपल्या भारताच्या चांगल्या भविष्यासाठी नक्कीच हे आपल्यासाठी चांगलं ठरणार आहे आणि या माध्यमातून संपूर्ण भारत देशाला हा सोलापूर आपला दिशा देण्याचं काम आपल्या कार्यातून होईल हे मात्र सांगतो आणि मी माझी रजा घेतो. जय.